बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सरफेसेस को वायर फ्रेम से कैसे जनरेट किया जा सकता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, आप फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप वायर फ्रेम में जाकर फिटेड आर्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको 3 पॉइंट आर्क जनरेट कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू लेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू लेने के बाद आप यहाँ से एक फुल सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इसका प्रिंसिपल प्लेन आप एक्स के अलोंग करेंगे यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करके। और यहाँ पर आप एक एंड के ऊपर आप एक सर्कल लगा देंगे। उसके बाद आप इस आर्क को और इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप सरफेसेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर स्मार्ट सरफेसर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आर्क थी और एक सर्कल था। उन सर्कल की मदद से हम ने यहाँ पर स्मार्ट सरफेस में एक ड्राइव कर्व की मदद से एक सेक्शन बना दिया सरफेस के अंदर। तो इस तरह आप वायर फ्रेम की मदद से भी सरफेसेस को क्रिएट करवा सकते हैं। इसको कैंसिल करें। अब आप इसको व्यू फ्रॉम टॉप करेंगे, यहाँ से आप वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल को आप अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन के हिसाब से प्लेस करवा देंगे। इसका आइसोमेट्रिक व्यू लेंगे। उसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे और लाइन में सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसका एक मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी के अंदर आप एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद आप इसके एंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक और लाइन यहाँ तक लगा देंगे। उसके बाद आप कंपोजिट कर्व में जाएंगे और नीचे वाला जो सेक्शन है उसको आप कंपोज करके सेव करेंगे। इसके बाद आप इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और एग्ज़िट कर देंगे। अब हमारे पास ये सेक्शन है और ये एक ड्राइव कर्व है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेक्शन को इस ड्राइव कर्व के ऊपर लगा कर एक सरफेस जनरेट कर दूं, तो उसके लिए मुझे सारे के सारे सेक्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप सरफेस के अंदर आकर स्मार्ट सरफेसर को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि उस सेक्शन की मदद से हमारी ड्राइव कर्व जो है उसके ऊपर एक सरफेस जनरेट हो गई है। इसको ओके करें। तो इस तरह आप डिफरेंट वायर फ्रेम की मदद से सरफेस लगा सकते हैं। इसको आप डिलीट करें। इसके बाद आप एक और प्रैक्टिस हम इसके अंदर आज करेंगे। उसके लिए आपको इसको व्यू फ्रॉम टॉप करना है। यहाँ से आपने वायर फ्रेम के अंदर वर्क प्लेन के अंदर वायर फ्रेम के अंदर से एक सर्कल सेलेक्ट करना है और उसको 0 पे प्लेस करना है और उसका रेडियस आपने 150 रखना है। ओके, रिसाइज टू फिट। अब आप वर्क प्लेन में जाएंगे, यहाँ से एक सिंगल वर्क प्लेन सेलेक्ट करेंगे और उसके सेंटर में आप इस वर्क प्लेन को प्लेस कर देंगे। इसके बाद आपने इस वर्क प्लेन को पिक करना है, एडिट के अंदर जाना है और यहाँ से मूव की कमांड को सेलेक्ट करना है। मूव की कमांड सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये एक्स की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है, ये वाई में है और ये जी के अंदर है। तो मैं वाई के अंदर नीचे की जानी 200 आना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वाई के अंदर -200 लिख कर इसको एंटर करना है और ओके कर देना है। तो ऐसा करने से हमारा जो वर्क प्लेन है वो मूव हो गया वाई डायरेक्शन में 200 मिलीमीटर नीचे की जानिब। अब इसके बाद आपको वायर फ्रेम के अंदर एक लाइन सेलेक्ट करनी है और उस लाइन की पोजीशन आप टाइप कमांड के अंदर एंटर करेंगे, -12 स्पेस -150। अब आप इस लाइन को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करेंगे, इसकी लेंथ को 50 mm तक या 70 mm तक आप इसकी लेंथ को रख दें और इसको ओके करें। फिर उसके बाद आपको वायर फ्रेम के अंदर से फिटेड आर्क सेलेक्ट करनी है, जिसका फर्स्ट पॉइंट आप टेंजेंट सर्कल के साथ सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट आप इसका
इस लाइन के एंड से लेंगे, और थर्ड पॉइंट आप इसके सेंटर में तकरीबन 350 का रेडियस आप यहाँ पर लगाएंगे। तो 350 के करीब लाकर आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका रेडियस एंटर करें 350। इसके बाद आप इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप मिरर की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर थ्री एक्सिस हैं, थ्री प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जी और जी एक्सिस। तो हम इसको वाई और जी के प्लेन के अलोंग मिरर करवाना चाहते हैं, तो इसको वाई जी यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें और कैंसिल कर दें। अब हम इस वाले रीजन को ट्रिम करवाएंगे, उसके लिए एडिट के अंदर हमें इंटरेक्टिव लिमिट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको एडिट करवा देना है। तो इस तरह हमारा एक वायर फ्रेम जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद आप व्यू फ्रॉम टॉप करेंगे इसको, और ये जो हमारी एक सर्कल है इसके टॉप के ऊपर हम एक वर्क प्लेन लगाना चाहते हैं। वर्क प्लेन के अंदर जाएं, यहाँ से सिंगल वर्क प्लेन सेलेक्ट करें और यहाँ भी आप इसको मिड पॉइंट के ऊपर है इस वर्क प्लेन को आप इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद आप इसको व्यू फ्रॉम एक्स पॉजिटिव करेंगे, एक्स नेगेटिव, व्यू फ्रॉम एक्स नेगेटिव, और यहाँ पर हम एक वायर फ्रेम जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको ये वर्क प्लेन को लो करना पड़ेगा ताकि हमारी जो लाइन है वो किसी और एक्सिस के अलोंग रोटेट ना कर सके या मूव ना कर सके। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वायर फ्रेम के अंदर जाके सर्कल सेलेक्ट करना है और उस सर्कल को आपने जी डायरेक्शन के अंदर 10 मिलीमीटर में लगाना है। तो इसके लिए आप ज़ीरो स्पेस 10 एंटर करेंगे और इसका रेडियस जो है वो आप 4 मिलीमीटर कर देंगे, ओके करें। फिर इसके बाद आप इसी ही सर्कल को एक्स वाई के अलोंग मिरर करवा देंगे। एडिट में जाकर मिरर की कमांड सेलेक्ट करें और एक्स वाई के अलोंग आप इसको मिरर करवाएंगे, ओके करें, कैंसिल कर दें। फिर उसके बाद वायर फ्रेम के अंदर आकर आप सर्कल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप एक सर्कल लगाएंगे और इसका डायमीटर आप यहाँ से रेडियस के बजाय डायमीटर सेलेक्ट करके इसका डायमीटर आप 16 करके इसको ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर आकर लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन दोनों सर्कल्स के टेंजेंट को आपस में यहाँ से मिला देंगे। फिर इसी तरह आप यहाँ पे टेंजेंट के साथ इस टेंजेंट को मिला देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सर्कल ट्रिम हो गया। तो इस ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए आप फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप आर्क्स में ट्रिम टेंजेंट आइटम इसको अनचेक करेंगे और लाइंस के अंदर आप ट्रिम टेंजेंट आइटम इसको अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो उसके बाद आप इसको अंडू करें, लाइन सेलेक्ट करें और यहाँ से इस लाइन को मिला दें, फिर उसके बाद इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला दें। फिर उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा रीजन है उनको आप यहाँ पर एडिट कर दें। एडिट करने के बाद आप इस पूरे के पूरे वायर फ्रेम को कंपोज करेंगे कंपोजिट कर्व की मदद से, सेव करें, एग्ज़िट कर दें। फिर उसके बाद आप इस पूरे पूरे वायर फ्रेम को कंपोजिट करेंगे, आल्ट कीबोर्ड में दबा कर रखें और माउस की जो है लेफ़्ट की मदद से इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली कंपोजिट कर्व में चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर सर्कल सेलेक्ट करेंगे और ये सर्कल हम वाई के अलोंग लगाना चाहते हैं इस आर्क के एंड के ऊपर। तो यहाँ से आप जो लॉग था उसको ख़त्म कर दें और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो वाई सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक सर्कल लगाएं और इस सर्कल का रेडियस आप 10 रखेंगे। फिर उसके बाद एक सर्कल आप और लगाएं इस जगह पर और इसका रेडियस भी 10 रहेगा। इसी तरह आल्ट का बटन दबाकर माउस का बटन दबाएं तो ये भी कंपोजिट कर्व में दोनों चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस सारे के सारे वायर फ्रेम को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप सरफेस के अंदर जाएं और यहाँ पर स्मार्ट सरफेस के ऊपर क्लिक करें। तो ये देखें ऑटोमेटिकली हमारी एक ड्राइव कर्व और तीन डिफरेंट जो हमारे सेक्शन थे उनकी मदद से ये ड्राइव कर्व हमारी जनरेट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो सेक्शन है वो एक जैसा रहे, तो
तो उसको सेक्शन को एक जैसा बनाने के लिए मैं इस वाले वायर फ्रेम को यहाँ पर भी ले आऊँगा और यहाँ पर भी ले आऊँगा। तो यहाँ तक आप देख सकेंगे कि हमारा वायर फ्रेम सेम रहेगा। तो इस तरह आप वायर फ्रेम की मदद से आप एक सरफेस ड्राइव कर्व जो है उसको बना सकते हैं इजीली। इसको कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये हमारा इस जगह पर भी आ जाए और इस जगह पर भी आ जाए। इसके लिए आप इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और एडिट के अंदर जाकर आप रोटेट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रिंसिपल प्लेन जी सेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको जी के अलोंग रोटेट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप रीपोजिशन दी रोटेशन एक्सिस इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ये जो हमने आर्क लगाई हुई है इसका सेंटर पॉइंट उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप एंगल के अंदर 90 पुट करेंगे और यहाँ पर इसकी कॉपी के ऊपर क्लिक करके यस के ऊपर बटन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसका एंगल 180 रखेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको यस कर देंगे और आप इस फॉर्म से एग्ज़िट हो जाएंगे। अब आप इस सारी की सारी ड्राइव कर्व को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप स्मार्ट सरफेस के अंदर जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारा वायर फ्रेम जो है हमारी जो सरफेस है वो विद द हेल्प ऑफ वायर फ्रेम जनरेट हो गई। तो अब आप देख सकती हैं यहाँ तक हमारा सेक्शन टोटली यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेक्शन जो है वो सेम है क्योंकि हमने ड्राइव कर्व के साथ सेक्शन भी यहाँ पर पेस्ट करवा दिया। इस तरह आप डिफरेंट जो वायर फ्रेम की मदद से आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट सरफेस एंड ड्राइव कर्व। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।